स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर में बीजेपी नेता का अपहरण, समाज सेविका के बेटे ने किया कांड, पिस्टल दिखाई पीटा और 5 लाख देने कहा, अब गिरफ्तार। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनीष साहू का रुपए की वसूली को लेकर अपहरण हो गया। बदमाशों ने एक फार्म हाउस में ले जाकर उसे जमकर पीटा, गन दिखाए, पिस्टल के पिछले हिस्से से भी पिटाई की। अपहरण कांड और मारपीट करने वाले बदमाश हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके का है। पुलिस के पास मामला पहुंचते ही थाने में हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ। कई नामचीन लोग इस प्रकरण को दबाने का प्रयास करते रहे। मामले का आरोपी हर्षवर्धन शहर की समाज सेविका ममता शर्मा का बेटा है। इससे पहले भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। टिकरापारा थाने के प्रभारी अमित बेरिया ने बताया, 12 जुलाई की रात बदमाशों ने कार में बैठाकर मनीष साहू का अपहरण किया। 13 जुलाई की सुबह 7 बजे तक उसे बंधक बनाकर रखा। सुबह अपनी जान बचाने के लिए मनीष ने हर्षवर्धन से कहा कि पचपेड़ी नाका चलो, मैं वहां रुपए दे दूंगा। हर्षवर्धन अपनी कार में बैठाकर मनीष को पचपेड़ी नाका से भांथागांव तक 3 बार आना जाना करके उसे घुमाता रहा। पचपेड़ी नाका ओवरब्रिज के नीचे मौका देखकर कार का गेट खोलकर मनीष कूद गया। बाद में शिकायत मिलने पर हर्षवर्धन को पकड़ा गया है। भाजपा नेता मनीष ने बताया, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ दिन जेल में था, यही उसे हर्षवर्धन मिला था। यही जान पहचान की वजह से वो कभी कभी हर्षवर्धन से मिला करता था। मनीष ने कहा कि मुझे किडनैप करके इनका प्लान रुपए उगाही करने का था, मेरी जान को खतरा था।